हेलो दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में तकनीशियन ग्रेड 3 परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में टोटल 18 चैप्टर हैं। सभी चैप्टर का हम बारी बारी से MCQ ला रहे हैं फ्रेंड्स, और इन्हीं चैप्टरों से जो है एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने जो है 16 चैप्टर यानी 16 चैप्टर पर वीडियो अपलोड कर दिए हैं MCQ। और फ्रेंड्स, आज हम लोग जो देखेंगे ये 17 चैप्टर का देख सकते हैं पार्ट 2। इससे पहले फ्रेंड हम लोगों ने इसका पार्ट 1 भी अपलोड कर दिया है, अब जरूर जाकर देखें और अपना रिविज़न करते रहें। तो फ्रेंड्स, क्या था 17वां चैप्टर में? वैद्युतिक ड्राइव देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक ड्राइव था। चलिए देर न करते इसकी शुरुआत करते हैं। जो भी चैनल पढ़ने आएंगे चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन को ऑन कर दिया। फ्रेंड्स, नीचे जो है टेलीग्राम का लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर ज्वाइन करें। इसका PDF आपको मिल जाएगा टिक लगा हुआ, आप वहाँ से भी रिविजन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने जो है 65वां प्रश्न तक देखा था, आज हम लोग 66 से देखेंगे। क्या है प्रश्न 66वां प्रश्न क्या है? सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए मोटर का चयन करते समय कम से कम महत्वपूर्ण विशेषता यह है। तो फ्रेंड्स, कम से कम यहाँ से है, कम से कम महत्वपूर्ण विशेषता यह है। तो फ्रेंड्स, क्या महत्वपूर्ण विशेषता है सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए मोटर का चयन करते समय? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर ये बात पर ऑप्शन नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा? गति नियंत्रण। इस चीज़ का ध्यान रखना फ्रेंड्स, महत्वपूर्ण विशेषता है गति नियंत्रण। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? 67 नंबर, आमतौर पर एक फ्लाई व्हील डैश के लिए किट फिट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आमतौर पर कह रहा है एक फ्लाई व्हील जो है डैश के लिए फिट करते हैं, तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर बात ऑप्शन सी हो जाएगा। सही फ्रेंड क्या है देख सकते हैं, पल्स्ड टॉर्क लोड ड्राइव कर रही क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? 68 का प्रश्न है, एक फ्लाई व्हील आमतौर पर डैश में प्रयोग किया जाता है। तो फ्लाई व्हील जो है आमतौर पर कह रहा है किस में प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड, 4 ऑप्शन दिए गए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या जाएगा? एक रोलिंग मिल ड्राइव, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, फ्लाई व्हील। अगला प्रश्न है 69, त्वरित गति उत्क्रमण के लिए पसंदीदा मोटर है। तो फ्रेंड्स, स्पीड रिवर्सल के लिए जो है पसंदीदा मोटर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन ई हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा? DC मोटर। अगला प्रश्न 70 नंबर है, एक विस्तृत श्रृंखला पर चिकनी और सटीक गति नियंत्रण के लिए बेहतर मोटर है। तो फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा? चिकनी और सटीक गति नियंत्रण के लिए बेहतर मोटर की बात की जा रही है, ऑप्शन ए हो जाएगा DC मोटर, याद रखेंगे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न क्या है? 71वां प्रश्न है, DC मोटर डैश है तो डायनेमिक ब्रेकिंग बहुत प्रभावी है। तो फ्रेंड्स, DC मोटर क्या है, ये चीज़ आपसे कही जा रही है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा? सेपरेटली संदीप्त, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 72 नंबर, अवतरण के दौरान मोवर की गति को नियंत्रित करने के लिए डैश ब्रेकिंग को प्रयुक्त करने को प्राथमिकता देते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? इसका ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा? DC डायनेमिक हो जाएगा, इसको अच्छे से देखना है। अगला प्रश्न क्या है? 73 नंबर है, रिजनरेटिव ब्रेकिंग डैश। तो फ्रेंड्स, ये क्या है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आसानी से DC संट मोटर्स के लिए प्रयोग किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ याद रखना है। अगला प्रश्न है 74, DC संट मोटर में रिजनरेटिव ब्रेकिंग सीमित है। तो फ्रेंड्स, क्या सीमित से क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? क्या सीमित है? ऑप्शन बी हो जाएगा, कम गति पर फ्लक्स की संतृप्ति। तो फ्रेंड्स, ये याद रखना है। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? क्या फ्रेंड्स, 75 नंबर है, एक थायरिस्टर को कहा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, एक थायरिस्टर को क्या कहा जा सकता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, DC स्विच, याद रखेंगे। अगला प्रश्न 76, नियंत्रित रेक्टिफायर्स का उपयोग करते हुए DC मोटर्स की गति नियंत्रण के लिए आर्मेचर वोल्टेज नियंत्रण डैश गति देता है। तो फ्रेंड्स, क्या गति देता है? इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी हो जाएगा, रेटेड गति से नीचे, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स क्या है। अगला प्रश्न है 77, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की हानियां है। तो फ्रेंड्स, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की हानियां है, क्या हानियां है?
इसका करेक्ट आंसर की बात करें फ्रेंड्स तो ऑप्शन डी हो जाएगा, क्या जाएगा उपरोक्त सभी। इसके जो तीनों हानियाँ आप देख रहे हैं ए बी सी दिया है फ्रेंड्स, ये तीनों जो है इसकी हानियाँ है, उच्च स्टार्टिंग करेंट और खराब स्टार्टिंग टॉर्क, सप्लाई वोल्टेज में उतार चढ़ाव की उच्च संवेदनशीलता और उच्च लोड पर निम्न पावर फैक्टर, गति विनियमन की कोई संभावना नहीं है। ये चीज़ें जो है इसका दिया गया है हानियाँ। अगला प्रश्न है 78। एक थ्री फेज प्रेरण मोटर का एक स्लिप रिंग कनेक्शन ओपन सर्किट हो जाता है तो मोटर क्या होगा। तो फ्रेंड इस कंडीशन में क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कम गति से चलने लगेगी। अगला प्रश्न क्या है फ्रेंड 79 में, जो सोते हैं स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर्स के लाभ हैं। तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर क्या लाभ है, चार ऑप्शन दिया गया है, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड ए बी सी जो दिया गया ये चीज़ें हैं इसको याद रखना है। अगला प्रश्न किया जाएगा 80 प्रश्न है स्लिप रिंग मोटर्स की हानियां है। तो फ्रेंड स्लिप रिंग मोटर की क्या हानियां है, चार ऑप्शन दिया गया है, जैसे क्या करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स ए बी सी तीनों जिसका हानियां है तो ये चीज़ों को देख लेना है। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की तुलना में कम दक्षता और कम पावर फैक्टर, हल्के लोड पर कम पावर फैक्टर, आपूर्ति वोल्टेज में उतार चढ़ाव की संवेदनशीलता, तो ये चीज़ों को याद रखना फ्रेंड्स। अगला प्रश्न क्या है 81 है, इलेक्ट्रिक मोटर के लिए रोटर शाफ्ट का व्यास किस पर निर्भर करता है। तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रिक मोटर के लिए रोटर शाफ्ट का व्यास किस पर निर्भर करेगा, चार ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन सी हो जाएगा, गति और पावर आउटपुट पर, याद रखेंगे फ्रेंड्स गति और पावर आउटपुट पर। अगला प्रश्न 82 नंबर है क्या है, इंडक्शन मोटर का लैगिंग पावर फैक्टर होता है। तो फ्रेंड्स क्या होता है इसका पावर फैक्टर इंडक्शन मोटर का, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, स्टार्टिंग और ऑपरेशन दोनों पर। अगला प्रश्न है फ्रेंड 83 नंबर देख सकते हैं क्या है, प्रश्न है फ्रेंड्स समान रेटिंग के लिए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का आकार अनुरूप थ्री फेज इंडक्शन मोटर का लगभग डैश होता है। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा, 1.5 गुना, याद रखेंगे। अगला प्रश्न 84 नंबर है, बहुत बड़े साइज के तीन फेज इंडक्शन मोटर्स स्टार्ट होते हैं। तो फ्रेंड्स कैसे होते हैं स्टार्ट, ये चीज़ आपसे कही जा रही है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑटो ट्रांसफर स्टार्टर द्वारा। 85 नंबर प्रश्न है एसी मोटर नियंत्रण में ये जो दिया गया फ्रेंड्स वी बटे एफ स्थिर रखा जाता है, तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा, चुंबकीय सर्किट का अधिकतम प्रयोग करके। अगला प्रश्न है फ्रेंड देख सकते हैं क्या है 86 नंबर प्रश्न है, एक वेरिएबल गति में प्रेरण मोटर ड्राइव वी बटे एफ को इसकी आवृत्ति भिन्नता की विस्तृत श्रृंखला पर स्थिर रखा जाता है, मोटर निम्नलिखित मोड में संचालित होता है। तो फ्रेंड्स किस मोड में जो है मोटर संचालित हो रहा है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टॉर्क और वेरिएबल टॉर्क मोड, ये चीज़ याद रखेंगे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न क्या है 87 है, हार्मोनिक पावर सप्लाई प्रयोग की जाती है। तो फ्रेंड्स हार्मोनिक पावर सप्लाई प्रयोग किस में की जाती है, इसका करेक्ट आंसर के बाद ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड, क्या हो जाएगा, एसी ड्राइव में, याद रखेंगे एसी ड्राइव में। अगला प्रश्न 88 है, एसी ड्राइव में निम्न में से कौन सी युक्ति प्रयुक्त की जाती है। तो कौन सी प्रयुक्त की जाएगी फ्रेंड्स एसी ड्राइव में, इसका करेक्ट आंसर की बात करें फ्रेंड ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फिल्टर कैपेसिटर, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स 89 नंबर प्रश्न है, एसी ड्राइव का अन्य नाम है। तो फ्रेंड्स एसी ड्राइव का नाम क्या है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा फ्रेंड, ये सभी, यानी सभी जो है देख सकते हैं, समायोजित ड्राइव, बी दिया है परिवर्तनीय गति ड्राइव, सी दिया है आवर्ती परिवर्तक ड्राइव। तो फ्रेंड्स ये चीज़ आंसर हो जाएगा 90 नंबर प्रश्न है, एसी ड्राइव का उपयोग निम्न में से किस मोटर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका क्या हो जाएगा, किस मोटर को जो नियंत्रित करने के लिए, ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी फ्रेंड्स प्रेरण मोटर और तुल्यकालिक मोटर जो है दोनों इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 91 है क्या फ्रेंड्स, रीजनरेटिव डीसी ड्राइव नियंत्रित करती है। तो क्या नियंत्रित करती है रीजनरेटिव डीसी ड्राइव, तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर के बाद ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी, यानी मोटर की घूर्णन दिशा को नियंत्रित करती है, मोटर के बलाघूर्ण को नियंत्रित करती है, मोटर की गति को नियंत्रित करती है, ये चीज़ें याद रखेंगे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है 92 है, डीसी ड्राइव में मुख्यतः किस युक्ति का उपयोग किया जाता है। तो चार ऑप्शन दिया गया फ्रेंड्स किसका उपयोग होगा इसमें, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा,
थायरिस्टर याद रखेंगे। 93 नंबर प्रश्न है, स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर में आउटपुट वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए निम्न में से कौन सा ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स कौन सा ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑटो ट्रांसफर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स 94 नंबर है, स्टेप्ड ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर में निम्न में से किस रेटिंग का रिले उपयुक्त रहता है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर के बाद का ऑप्शन बी हो जाएगा, किस रेटिंग का रिले पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, तो 12 वोल्ट डीसी रिले याद रखेंगे। 95 प्रश्न है, स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर का उपयोग किया जाता है तो कहाँ किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्या जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, ये सभी रेफ्रिजरेटर्स में, एयर कंडीशन में, VCR में, इसी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है फ्रेंड 96 नंबर, क्या है, किसी परिपथ में LED का उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स जो है कहाँ LED का प्रयोग होता है, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, परिपथ में धारा प्रवाह को दर्शाने के लिए जो है LED का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न 97 है, फोटोकॉपी मशीन में निम्न में से कौन सा स्टेबलाइजर उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स किस स्टेबलाइजर का उपयोग होता है फोटोकॉपी मशीन, ऑप्शन सी हो जाएगा, सर्वो स्टेबलाइजर याद रखेंगे। 97 नंबर है, एक सर्वो मोटर कितनी परिशुद्धता की नियत वोल्टेज प्रदान करता है? तो फ्रेंड इसका क्या जाएगा आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या जाएगा प्लस माइनस 3%। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स क्या है 99 नंबर प्रश्न है, चित्र में किसका ब्लॉक आरेख प्रदर्शित किया गया है? तो फ्रेंड्स क्या जाएगा इसका करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी याद रखेंगे फ्रेंड्स, क्या है, अबाधित शक्ति आपूर्ति, तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड्स क्या है, 100 प्रश्न है, प्रश्न है एसी आपूर्ति बंद हो जाने की स्थिति में आपातकालीन स्रोत के रूप में डैश का उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स किसका उपयोग किया जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, इन्वर्टर का प्रयोग किया जाता है। 101 प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक इन्वर्टर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो फिर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, स्थैतिक इन्वर्टर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है फ्रेंड 102 नंबर है, इन्वर्टर में एसी इनपुट उपलब्ध होने पर स्टोरेज बैटरियों को डैश की दर पर आवेशित करने की व्यवस्था होती है? तो फ्रेंड्स किस दर पर जो है आवेशित करने की व्यवस्था होगी, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा 3 से 5 एम्पीयर। 103 प्रश्न है, इमरजेंसी लाइट की कार्यावधि में एसी मेन सप्लाई डैश की प्राप्त होती है, यानी एसी मेन सप्लाई की प्राप्ति कहाँ से होती है फ्रेंड्स, ये चीज़ें कही जा रही है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से। अगला प्रश्न 104 नंबर प्रश्न क्या है, बैटरी चार्जर प्रायः सेल के अंदर डैश के रूप में वैद्युतिक ऊर्जा को भंडारित करता है, यानी किस ऊर्जा को फ्रेंड्स, ये चीज़ें कही जा रही है, सेल के अंदर जो है क्या होता है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा बैटरी के अंदर होता है। 105 नंबर, बैटरी चार्जर एक साधारण डैश है, क्या है बैटरी चार्जर साधारण डैश पूछा जा रहा है, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, DC पावर सप्लाई याद रखेंगे। अगला प्रश्न 106 नंबर है, अंतवर्तक में प्रयुक्त ट्रांसफार्मर का आकार निर्भर करता है? तो फिर इन्वर्टर में जो है प्रयुक्त ट्रांसफार्मर का आकार निर्भर करता है, किस पर आकार निर्भर करेगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बैटरी की आवश्यक शक्ति पर। अगला प्रश्न 107 नंबर है, वैद्युतिक एवं इलेक्ट्रॉनिक यंत्र उपकरणों को स्थिर मान की वोल्टेज सप्लाई किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो फ्रेंड्स किसके द्वारा प्रदान की जाती है, ऑप्शन ए हो जाएगा, वोल्टेज स्टेबलाइजर। 108 नंबर प्रश्न क्या है, स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर है? फ्रेंड्स चार ऑप्शन में क्या होगा इसका करेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी इन्वर्टर UPS और ऑटो कट वोल्टेज स्टेबलाइजर ये भी हो जाएगा सही, तो याद रखेंगे। 109 नंबर प्रश्न क्या है, SMPS पावर सप्लाई की आउटपुट वोल्टेज परास है? तो फ्रेंड्स इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, 1247 वोल्ट। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स देखते हैं 110 नंबर प्रश्न है, शॉर्ट सर्किट UPS में डैश से डैश समय अंतराल बाद लोड को सप्लाई मिलती है? तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा शॉर्ट सर्किट UPS में जो है, इसे करेक्ट आंसर की बात करें फ्रेंड्स तो ऑप्शन जो है इसका ए हो जाएगा सही, क्या हो जाएगा 4 से 5, ये ns/nanosecond दिया फ्रेंड्स, इस चीज़ को याद रखना है। अगला प्रश्न क्या है 111 प्रश्न, बैटरी को चार्ज करने में प्रयुक्त UPS है? तो बैटरी को चार्ज करने में फ्रेंड्स प्रयुक्त UPS क्या है, इसका करेक्ट आंसर की बात का ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा शॉर्ट ब्रेक UPS। 112 प्रश्न है, नो ब्रेक UPS का प्रकार है?
तो फ्रेंड्स नो ब्रेक यूपीएस का प्रकार है, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा, ए व बी दोनों, ऑफलाइन यूपीएस और ऑफलाइन यूपीएस जो फ्रेंड्स ये चीज़ें सेम दी गई है, बस इसमें जो है कुछ मिस्टेक हुआ है। तो फ्रेंड्स जो है अगला प्रश्न 113 नंबर देख सकते हैं, क्या है, ऑटो कट वोल्टेज स्टेबलाइजर प्रयुक्त विद्युत उपकरण है। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, ऑटो कट वोल्टेज स्टेबलाइजर प्रयुक्त विद्युत, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, और सभी रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशन टीवी रिसीवर ये हो जाएगा। 114 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स, नॉन आइसोलेटेड शक्ति संग्रहण के लिए प्रयुक्त अवयव है। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, प्रयुक्त अवयव ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रेरक हो जाएगा। अगला प्रश्न 115 नंबर है, आइसोलेटेड टोपोलॉजी प्रकार का SMPS है। तो फ्रेंड्स आइसोलेटेड टोपोलॉजी जो इसमें कहा जा रहा है ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, फ्लाई बैक SMPS पुश पुल जो दिया है, IR सेतु दिया है। 116 नंबर प्रश्न है, SMPS को सुरक्षा प्रदान करने हेतु प्रयुक्त अवयव है। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, SMPS को सुरक्षा प्रदान करने हेतु प्रयुक्त अवयव क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, फ्यूज। अगला प्रश्न देख सकते हैं, 117 नंबर प्रश्न है, क्या है, नॉन आइसोलेटेड SMPS प्रकार नहीं है, इसमें नहीं है कही जा रही फ्रेंड्स, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, पुश पुल SMPS हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न 118 नंबर है, SMPS को हानि पहुंचती है। तो फ्रेंड्स किससे हानि पहुंचती है SMPS को, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए व बी दोनों से, यानी अति धारा से, शॉर्ट सर्किट से। 119 नंबर प्रश्न है, DC ड्राइव में मुख्यतः किस युक्ति का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर की बात, ऑप्शन सी हो जाएगा, थायरिस्टर हो जाएगा। अगला प्रश्न 120 नंबर है, क्या है, विद्युत ड्राइव के अवयव हैं, यानी विद्युत ड्राइव के अवयव क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, नियंत्रण उपकरण और मोटर, तो याद रखेंगे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न क्या है, 121 नंबर प्रश्न है, AC ड्राइव का उपयोग निम्न में से किस मोटर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स AC ड्राइव का उपयोग किस मोटर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ए व बी दोनों, यानी प्रेरण मोटर, तुल्यकालिक मोटर, ये प्रश्न हम लोगों ने ऊपर में भी शायद देखा है। अगला प्रश्न 122 नंबर है, AC ड्राइव की कार्य प्रणाली को प्रभावित करने वाला पैरामीटर नहीं है। तो फ्रेंड्स इसमें नहीं है जो कह रहा है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, आधार गति जैसा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 123 नंबर फ्रेंड, डैश DC ड्राइव मोटर की गति एवं घूर्णन को सिर्फ एक दिशा में नियंत्रित करते हैं, यानी कौन, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ब्लैंक की जगह पर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, नन रिजर्नेटिव। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे रिजर्नेटिव हो जाएगा आंसर, नन। अगला प्रश्न है 124 नंबर, क्रेन की गति परिवर्तित होती है। तो फ्रेंड्स क्या जब क्रेन की गति परिवर्तित होती है, ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 से 2.5 मीटर पर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रोलिंग मिल में मोटर का रेंज होता है। तो फ्रेंड्स कितना होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, 100 से 500 हॉर्स पावर, याद रखेंगे। अगला प्रश्न 126 नंबर है, एक मैग्नेटिक एम्पलीफायर प्रयुक्त होता है डैश के नियंत्रण हेतु। तो फ्रेंड्स मैग्नेटिक एम्पलीफायर किस लिए प्रयुक्त होता है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, स्पीड, याद रखेंगे। अगला प्रश्न फ्रेंड 127 प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है इसका, साउंडलेस संचालन हेतु किस प्रकार के इलेक्ट्रोमैग्नेट का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड साउंडलेस संचालन हेतु जो ऐसा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, DC ऑपरेटेड। तो फ्रेंड्स चैप्टर समाप्त होगा, मैं उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आने पर वीडियो को लाइक, नए लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद।